ग्रेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका कृष्णा ब्लॉग में। और आज हम बना रहे हैं पोहे। वैसे पोहे तो कई तरह के बनते हैं, जैसे इंदौरी पोहे हैं, कांदा पोहे हैं और गुजराती पोहे हैं, कई तरह से बनते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं आज इंदौरी पोहे। और पोहे बनाने के लिए आपको मोटे पोहे ही लेने हैं, क्योंकि पोहे दो तरह के होते हैं, एक पतले होते हैं, मोटे होते हैं। और पोहों को हल्के हाथ से धुलना है और धुलने के बाद 4-5 मिनट के लिए छोड़ देना उनको। अब हम डाल रहे हैं इनमें नमक और डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे चीनी। चीनी से पोहों में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब पोहों में हमने चीनी, नमक और हल्दी अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे और तब तक हम कर लेंगे तड़का तैयार। और पोहे वैसे खाने में टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं और ये के सुपाच्य बहुत होते हैं। ये पचते बहुत जल्दी हैं, तभी पोहों का नाश्ता बहुत ही हल्का रहता है। अब हम डाल रहे हैं कढ़ाई में तेल और गैस के फ्लेम को कर रहे हैं ऑन। अब इसमें डालेंगे हम राई। अब राई तड़कने पर हम डालेंगे इसमें जीरा। और डालेंगे इसमें सौंफ, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर पोहे में बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी हींग भी डालेंगे और 5-7 डालेंगे करी पत्ते। अब डालेंगे इनमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े डाल रहे हैं बारीक कटे हुए प्याज। और प्याज को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, खाली थोड़ा सा बस इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक भी और डालेंगे। और इनको अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ी सी ये पीनट, ये रोस्ट की हुई है। और इसमें डालेंगे अब पोहे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक नींबू का जूस, क्योंकि 1 चम्मच चीनी डाली है तो इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। अब पोहे की एक प्लेट तैयार कर लेते हैं हम। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और थोड़ी डालेंगे 2 तरह के नमकीन। धनिया और नमकीन से पोहे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये लो जी, हमारे इंदौरी पोहे बनकर तैयार हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।